कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार आज टीपू सुल्तान की जयंती को राज्य उत्सव के तौर पर मना रही है, लेकिन बीजेपी और संघ उसके इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। टीपू सुल्तान की जयंती को लेकर कर्नाटक में सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला किया है और इसे राज्य उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दल बीजेपी को सरकार की ये पहल रास नहीं आ रही। उसने अपने विधायकों को ऐसे सरकारी आयोजनों से दूर रहने को कहा है। गवर्नमेंट स्पेशली मिस्टर सिद्धरमैया एंड कंपनी दे वांट टू अपीज द माइनॉरिटी पीपल फॉर द वोट बैंक एंड हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द मेजॉरिटी। इनमें उन्होंने मल्लपुरम में केरल में 50,000 लोगों को हिंदू से इस्लाम में परिवर्तित किया, कितने लोगों को मारा, यह सब इतिहास है। इतना इतिहास होते हुए भी उसको बहुत बड़ा करना ठीक नहीं है। संघ इसका विरोध करेगा। संघ विरोध करेगा। वहीं कुछ इतिहासकारों का भी मत है कि टीपू सुल्तान ने गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किए और ऐसे क्रूर शासक की जयंती को राज्य उत्सव के तौर पर मनाया जाना सही नहीं है। He was a cruel. He was a most cruel people. He tomorrow in the Karnataka government is celebrating Tipu's Jayanti. I condemn it. विरोधियों की दलील चाहे जो हो, सरकार का कहना है कि टीपू सुल्तान राष्ट्रभक्त थे और अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। दलीलें अपनी जगह है, लेकिन इस नए विवाद ने लोगों को एक बार फिर बहस का मुद्दा दे दिया है। बेंगलोर से प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। निसगमम मनीपम ग नीपम नीपम ग सनीपम निसपस जहां तक याद याद आती रहेगी।